हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह, और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो आपका CVET PG 2023 का बॉटनी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो है आपका एक टॉपिक आता है प्लांट टैक्सोनॉमी। उसमें जो है उस पोर्शन से कितने क्वेश्चन यहाँ पे आए थे, और इसको मैंने जो है ब्रॉडली कैटेगराइज किया है कि किन किन टॉपिक से वो क्वेश्चन बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट टैक्सोनॉमी आपको पता है कि बहुत एक बड़ा सेगमेंट होता था इससे पहले के एग्ज़ाम में। तो ये जो पुराना आपका क्वेश्चन पेपर हुआ, इसमें इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए थे और आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं टॉपिक्स को डिवाइड करूं तो आप देखोगे कि प्लांट टैक्सोनॉमी से तीन जो है ब्रॉडली आप जो भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, पहली बात तो कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो भी पूछे गए हैं क्वेश्चन वो मिक्स करके पूछा गया है, इतना आसान नहीं है जो ऐसे मतलब पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे डायरेक्टली, तो मिक्स करके क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, मतलब एक चीज़ है केवल पढ़ने से आपको नहीं याद होगा, जो भी उस टॉपिक के पूरे वो है मतलब सेगमेंट्स हैं वो आपको पढ़ना होगा। जैसे कंटेंट्स ऑफ बॉटनिकल कोड में से कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, जहाँ पे टॉटोनिम, ऑटोनिम, सिनोनिम, नोथो स्पीशीज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। टाइपिफिकेशन से होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप, सिनटाइप, लेक्टोटाइप, न्यूटाइप एक्सेट्रा पूछे गए हैं, और उसमें से एक टॉपिक और आता है ऑथर साइटेशन। ये सब बॉटनिकल कोड के पार्ट्स हैं, उसमें ये आते हैं। और फिर क्लासिफिकेशन सिस्टम से भी क्वेश्चन आया है यहाँ पे, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, बेस्से के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंग्लर एंड प्रांटल, एंजियोस्पर्म फाइलेंटिक ग्रुप जिसे आप APG क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं, वहाँ से है क्वेश्चन। ये चारों चीज़ें आपको आनी रहनी चाहिए। और फिर थर्ड जो मेन है प्लांट फैमिलीज, वहाँ पे क्यूकरबिटेसी, फेबेसी, कैरियोफिलेसी, सोलनेसी, मालवेसी और चीनोपोडिएसी, इतने सारे फैमिलीज का कैरेक्टर आपको आना चाहिए था, तब आप ये जो पेपर हुआ था इसमें आप प्लांट टैक्सोनॉमी के क्वेश्चन कर पाते। तो एक क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, जो कि टाइपिफिकेशन से ही पूछा गया था। स्पेसिमेन इज टर्म, क्या बोला जाता है, नियोटाइप, लेक्टोटाइप, आइसोटाइप और सेंटाइप, व्हेन इन द अब्सेंस ऑफ होलोटाइप इट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल साइटेड बाय द ऑथर। मैंने इस पे इन टॉपिक्स पे लेक्चर ऑलरेडी बनाया है, उसका मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा टाइपिफिकेशन पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इन द अब्सेंस ऑफ होलोटाइप, और वो भी ओरिजिनल मटेरियल हो जो कि ऑथर ने ही खुद कलेक्ट किया हो, तो ऑथर जब भी कोई मटेरियल कलेक्ट किए रहता है तो वो सबसे पहले तो होलोटाइप बनाता है, उसके साथ जो एसोसिएटेड मटेरियल रहते हैं वो आइसोटाइप रहते हैं, पैराटाइप रहते हैं या सिन टाइप रहता है। न्यूटाइप हम बनाते हैं तब जब ओरिजिनल ऑथर का कोई भी मटेरियल वहाँ पे नहीं बचा हुआ हो, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल, दैट मीन ये ऑथर के द्वारा कलेक्ट हुआ था। और जब ऑथर कोई स्पीशीज पब्लिश करता है और इन्हें होलोटाइप डिजिग्नेट नहीं किया होता है, मतलब ओरिजिनल मटेरियल है, जब तो न्यूटाइप बनेगा नहीं। आइसोटाइप सिनटाइप मैंने बताया ओरिजिनल ऑथर ही के कलेक्शन के साथ ही वो बनता है, लेकिन अगर उन्होंने होलोटाइप नहीं डिजिग्नेट किया होता है तब हम क्या करते हैं, लेक्टोटाइप बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर लेक्टोटाइप है। ये इसके साथ एसोसिएटेड नोट्स है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका PDF मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने पूरा पॉइंट लिखा हुआ है कि टाइप स्पेसिमेन क्या होता है, होलोटाइप, आइसोटाइप, सिनटाइप, पैराटाइप, लेक्टोटाइप और नियोटाइप का डेफिनेशन क्या है, तो आप आराम से देख लीजिएगा कि ये सब चीज़ें क्या है, शॉर्ट शॉर्ट में मैंने डाल दिया। ठीक है, तो उसको याद कर लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 33 का आया हुआ था, मैच कराने का आया था, ये भी आपका प्लांट टैक्सोनॉमी से था, इसमें दिया था आपको मैच लिस्ट फर्स्ट के कंटेंट को लिस्ट सेकंड के कंटेंट से मैच कराना था, और फिर आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन चूज करना था वहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे है, पहली बात तो ये आपको बहुत टफ लगेगा, पर है इतना टफ नहीं है, अगर आप जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप ध्यान में रखते हो। जैसे ये बॉटनिकल कोड का ही सेगमेंट है, ये सब टॉटोनिम, ऑटोनिम, नोथो स्पीशीज, सिनोनिम क्या होता है, ये सब मैं भी हमेशा से डिस्कस करता हूँ, हमेशा से आपको जो भी मैं लेक्चर्स लेके आता हूँ वहाँ पे बताता रहता हूँ बार बार। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट है आपका सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब है एक ही प्लांट के कई सारे नाम हो सकते हैं, उसके कई सारे रीज़न होते हैं क्यों नाम होता है। और यहाँ पे जैसे ए में लिखा है ना, हेडी सेरम कॉर्निटम, ये लिनियस ने 1763 में पब्लिश किया था, और फिर इक्वल करके लिखा है हेडी सेरम स्पिनोशम 1759। ये जब भी आपको इक्वल का साइन दिखता है इसका मतलब है कि ये दोनों जो है, ये सेकंड वाला नेम जो है ये सिनोनिम है, मतलब समान अर्थी, आप दोनों को यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली यूज़ नहीं कर सकते हो, जो लेटर नेम यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड वाला वो सिनोनिम है पहले नेम का, और पहला नेम एक्सेप्टेड है अभी हर जगह वो यूज़ होता है, पर इसके समान अर्थी ये भी शब्द हुआ। तो जहाँ पे इक्वल का साइन आए आप सिनोनिम समझिएगा। सेकेंड मैंने आप बताया था आपको, अगर
टॉटोनेम का मतलब, जब भी जीनस और स्पीशीज के नाम आपको एक जैसे दिखें तो वो टॉटोनेम का एग्जाम्पल होता है। तो मैलस मैलस जो है एक टॉटोनेम का एग्जाम्पल है। इससे ये भी एक क्वेश्चन आता है, क्या टॉटोनेम बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में अलाउड है? तो आप बोलोगे नहीं, टॉटोनेम्स आर नॉट अलाउड इन बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अगर हम देखें एकेशिया निलोटिका सब स्पीशीज निलोटिका, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये ऑटोनिम का एग्जाम्पल है। मैंने आपको बताया था जब एक जीनस होता है जैसे एकेशिया, उसका एक स्पीशीज है निलोटिका, और ये इस एकेशिया जीनस के अंदर एक ही स्पीशीज नोन होती है। बाद में कोई साइंटिस्ट आता है, उसको लगता है कि इस स्पीशीज का एक नया सब स्पीशीज है, मतलब उनके बीच में भी स्पीशीज के अंदर भी दो टाइप के सब स्पीशीज बनाए जा सकते हैं। तो वो जो ऑथर आता है वो एक स्पीशीज नया सब स्पीशीज बनाता है उसका। तो एक जो पहला वाला सब स्पीशीज रहता है उसका नाम अपने आप उसी स्पीशीज से लेके पड़ जाता है, तो ऐसे को हम ऑटोनिम बोलते हैं। जैसे एकेशिया निलोटिका सब स्पीशीज निलोटिका, और मान लो कोई नया ऑथर आके इसका एक नया स्पीशीज बनाया होता तो एकेशिया निलोटिका सब स्पीशीज, मान लो उसने इंडिका बनाया, तो वो अलग नाम होता जो उस ऑथर का नाम उसके पीछे लगता। पर यहाँ पे क्योंकि कोई देखो यहाँ पे इसे लिनियस है, एल डॉट लिखा हुआ, इसके पीछे कोई नाम नहीं, तो ऑटोनिम्स का सबसे अच्छा पहचान होता है कि उनके पीछे किसी भी ऑथर का नाम नहीं होता है। और सेकंड, जब भी ऐसा नाम लिखा रहे, सेलिक्स ऑरिटा ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और कैप्रिया, तो मतलब बात हो रही है नोथो स्पीशीज। नोथो स्पीशीज हम हाइब्रिड स्पीशीज के लिए यूज़ करते हैं। हाइब्रिड मतलब दो अलग अलग स्पीशीज के बीच से बना हुआ एक प्लांट। और अभी जैसे ये आप देखोगे रीसेंट पेपर है, एक पब्लिश हुआ है 2022 में ही पेपर ये पब्लिश हुआ है, लिखा हुआ है ओवर 30 इयर्स ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन, एक नया नोथो स्पीशीज लिखा है, न्यू नोथो स्पीशीज। नोथो स्पीशीज का मतलब हाइब्रिड हुआ। लाइकोरिस जिंजिनियाई हमारे डिलेसी फैमिली का है, चाइना से इन्होंने रिपोर्ट किया। इसमें लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट जीनोम का यूटिलाइज करके, मॉर्फोलॉजी का यूटिलाइज करके, और क्रोमोसोमल एविडेंसेस का यूज़ करके इन्होंने एक नया हैबिट जो है वो करा, पता लगाया, जिसका आप ऐसे लिख सकते हो लाइकोरिस मल्टीप्लाइड मल्टीप्लीकेशन का साइन जिंजिनियाई। अब इन्होंने बताया है कि ये जो स्पीशीज है ये दो प्लांट के हाइब्रिडाइजेशन से बना हुआ है, ये लाइकोरिस स्पिनजेराई और लाइकोरिस चाइनेंसिस। तो ऐसे ये नोथो स्पीशीज में मल्टीप्लिकेशन का साइन आपको मिलेगा। 46 वाला हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे चार चीज़ें दी हुई है, एपीजी क्लासिफिकेशन, स्टेबिलॉइड थ्योरी, डाई नेचुरल हिल फ्लैमेंजियन फ्लैमिलियन और जनरल प्लांटेरम करके दिया हुआ है। तो हाँ, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, तो ऐसे आप मिला के देख लेते तो मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट वाले में अब देखो एपीजी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, मैंने आपको बताया ये क्लासिफिकेशन सिस्टम से आया हुआ है। जब आप अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हो तभी आप इसके बारे में बता पाओगे कि ये चीज़ें सही है कि नहीं है, ठीक है। जैसे एपीजी क्लासिफिकेशन को आप देखोगे उसमें ऑथर एक तो कई सारे ऑथर हैं, लेकिन केयर ब्रीमर और बिगिटा ब्रीमर ने एपीजी क्लासिफिकेशन उसमें एक मेन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था। और जब चार्ल्स बेसेक आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें स्ट्रोबिलॉयड थ्योरी दिया हुआ है, वो भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जनरल प्लांटेरम तो आपको हर बार पढ़ाया गया, जब आप बेंथ में होकर क्लासिफिकेशन पढ़ो तो जो उनके बुक का नाम था वो जनरल प्लांटेरम था, जो कि 3 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था, तो आप उससे मैच करा देते। और ये जो है इंग्लर एंड प्लांटल के बुक का नाम है ये, जिसमें उनका क्लासिफिकेशन पब्लिश हुआ था। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है, तो यहाँ पे केवल एक क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं, अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे केवल टॉटोनिम ऑटोनिम नहीं, नोथो स्पीसीज सिनोनिम क्या होता है, तो ये कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें भी पहले क्या होता था, पूछा जाता हाँ एक पर, इसमें आपको जब तक सारे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा आप एक का आंसर नहीं लिख पाओगे। नेक्स्ट अगर हम देखें जो इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा आया था, टैक्सोनॉमी से ये भी आया था, कह लीजिए फेबेसी फैमिली का, जब आप जनरल फीचर्स पढ़ते हो उसमें आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट प्लांट्स भी पढ़ने चाहिए फैमिलीज का। जैसे फेबेसी फैमिली के अंदर ये ब्लैक ग्राम, बंगाल ग्राम, काउ पीज एंड ग्रीन ग्राम आता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है ये आपसे पूछा था। जैसे विग्ना एंगुलाटा कॉबीज का नाम है, फैसिरियस मूंगो एक्चुअली ये सिनोनिम है, मैंने ब्रेकेट में लिखा इसका अभी एक्सेप्टेड नेम विग्ना मूंगो है, तो ये ब्लैक ग्राम को बोलते हैं। बंगाल ग्राम जो चना आप बोलते हो सिसर एरिएंटम बोलते हैं, और ग्रीन ग्राम जहाँ पे यहाँ पे फैसिरियस ऑरियस लिखा हुआ है ये भी सिनोनिम है, अभी इसका एक्सेप्टेड नेम विग्ना रेडियाटा है। तो ये सब है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट जो फैमिलीज हैं उनके कुछ मेंबर्स के जो कॉमन नेम मिलते जुलते होंगे वो भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है, मतलब नोट कर लीजिएगा उनके साथ फैमिलीज के साथ। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, क्यूकरबिटेसी फैमिली से
आए हुए कुछ मेंबर्स हैं, उनके साइंटिफिक नेम पूछे गए हैं। पम्पकिन मेलन क्यूकम्बर वाटर मेलन, इनके साइंटिफिक नेम पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो सिट्रस लाइनेटस है ये देखो वाटर मेलन है, क्यूकमिस मेलो जो है ये मेलन है केवल, और क्यूकमिस सटाइवा जो है आपका क्यूकम्बर है, और क्यूकरबिटा पेपो जो है इसमें पम्पकिंस आते हैं आपके, स्क्वैशेस आते हैं आपके, तो इस वजह से इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 जो आया था, आप देखोगे इसमें क्वेश्चन में ये था कि एक प्लांट है सेरेसस कॉर्नुटा जिसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया वॉलिच ने, और लेकिन उन्होंने उसको वैलिड मैनर में नहीं पब्लिश करा। जब आप ये बॉटनिकल कंटेंट वगैरह पढ़ते हो उसमें भी आप ये भी पढ़ते हो कि वैलिड पब्लिकेशन क्या होता है, क्या क्या तरीके हैं जो हम कोई भी पेपर पब्लिश करते हैं तो उसके साथ हमें ध्यान देना होता है। लेकिन वॉलिच ने जब ऐसा नहीं किया इस प्लांट के साथ, तो बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं रॉयले, उन्होंने इसको वैलिडली पब्लिश किया। अब मैंने बताया था किसी प्लांट के साथ में उसका ऑथर साइटेशन भी देना होता है, तो ये ऑथर साइटेशन से आया हुआ है। पर ऑथर साइटेशन में हमें क्रेडिट हर साइंटिस्ट का देना होता है जिनका मेन रोल रहता है, तो अगर इस नाम को करेक्टली वॉलिच ने पब्लिश किया होता तो इसका नाम सेरेसस कॉर्नुटा केवल वॉल डॉट रहता, पर ऐसा नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है इस केस में जो ऊपर दिया हुआ है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप देखोगे सेरेसस कॉर्नुटा वॉल इन रॉयले है, इसका मतलब होता कि अगर वॉलिच ने ये करेक्टली पब्लिश किया, यहाँ मैंने डेफिनेशन भी डाले हुए कब आप इन का यूज कब होता है ऐसे केस में, एमेंड का यूज कब होता है, एक्स का यूज कब होता है, तो इसमें इन है, एमेंड है, एक्स है, एक स्क्वायर ब्रेकेट है, इसको तो आप हटा दीजिए, ये तो टोटली गलत है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन एमेंड और एक्स का यूज इसमें मैंने बताया, इन का कब यूज होता है, जब अगर वॉलिच ने रॉयले के बुक में ऐसा कुछ इस ये नाम को वैलिडली पब्लिश किया होता। एमेंड हम तब लिखते हैं जब किसी जीनस या स्पीशीज के डिस्क्रिप्शन में कुछ कमी रह जाती है और बाद में उसको रॉयले ने सही करा होता, और एक्स हम इसी केस में लगाते हैं जब वो वैलिडली पब्लिश ना हो, बाद में कोई साइंटिस्ट आके उसको वैलिडली पब्लिश करता है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 192 भी आया था जहाँ पे आपको फ्लोरल फार्मूला भी दिया गया था, चार फ्लोरल फार्मूला दिए गए थे, उसको फैमिली के फैमिली से आपको मैच कराना था किसका फीचर है ये, ठीक है। वैसे ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे देखो सिंपली चीज़ें हैं जो आपको, मैंने भी फैमिलीज पढ़ाई हैं अपने चैनल पे, तो वहाँ पे आपको ये देखना था कि इससे आपको डरना नहीं है कि आपको अलग से फ्लोरल फार्मूला याद करने की ज़रूरत होती, नहीं, जो आप फैमिली का फीचर आपको पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं उसी के बेसिस पे आप इनको पहचान सकते हो कि ये किस फैमिली का है। जैसे मैंने यहाँ पे इसका वो लिखा हुआ है कि इसमें से कैसे आप पकड़ लेते। देखो अभी यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं बात करूँ सबसे सिंपलेस्ट जो कॉमन मोस्ट फैमिली आप लोग पढ़ते हो शुरू से, वो है मालवेसी। मालवेसी में आपको पता है एपिकैलिक्स पाया जाता है, तो यहाँ पे जो इपी लिखा हुआ है ये एपिकैलिक्स को ही डिनोट करता है। एक और चीज़ यहाँ पे पहचानने के लिए ये है आपके लिए कि यहाँ पे एंड्रोशियम का यहाँ पे इनफाइनाइट लिखा हुआ है, दैट मीन्स न्यूमरस होते हैं, तो ऐसा होता भी है कि यहाँ पे स्टेमेन जो होता है एक तो मोनोडेल्फस कंडीशन पाया जाता है और न्यूमरस रहते हैं, वो एक ही में जुड़े हुए रहते हैं, और पेंट्रा कार्पेलरी कंडीशन पाया ही जाता है, केवल यही एक फैमिली है मालवेसी, तो आराम से आप पहचान लेते, ठीक। और मैं अगर आपको बताऊं इसमें से आप देखोगे चीनोबोडीसी जो फैमिली है ये मोनोक्लेमाइडी जो सीरीज है बेंथमन हुकर क्लासिफिकेशन, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ हमेशा पढ़े रहो आप, चीनोबोडीसी फैमिली जो है ये मोनोक्लेमाइडी का है, और ये ऐसी आपके लिए सब क्लास है मोनोक्लेमाइडी जहाँ पे कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता है। कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंशिएशन ना जब पाया जाए तो वहाँ पे के और सी का साइन नहीं रहता, यहाँ पे सब इसमें के और सी का साइन है, इसमें के और सी का साइन है, के फॉर कैलिक्स सी फॉर कोरोला, तो यहाँ पे के और सी का साइन है। पर जब चीनोपोडिएसी में यहाँ पे देखो के और सी का साइन नहीं है क्योंकि चीनोपोडिएसी में कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंशिएशन होता नहीं, उसके जगह पे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं पेरियंथ बोलते हैं, पेरियंथ के लिए पी होता है। तो यहाँ पे ये जो है आप देखोगे चीनोपोडिएसी का ही है ये ए। अब हमारे पास बसती है दो फैमिली सोलानेसी और कैरियोफिलेसी, इनको भी पहचानना बहुत आसान है। अगर आपने बेंथमन हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो आप ये देख पाओगे सोलानेसी का सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये बाईकार्पलेटी जो सीरीज है गैमोपेटैली में उससे बिलोंग करते हैं। बाईकार्पलेटी का मतलब दो कार्पेल का होना, और दो जो है जी फॉर गाइनोशियम और दो लिखा हुआ है, तो दोनों में तो है, पर यहाँ पे आप पहले ही पता लगा चुके हैं कि इसमें पेरेंट वाला कॉन्सेप्ट है, तो यही अकेला यही बचता है। और ये सही भी है कि ये जो फार्मूला है ये आपका सोलानेसी के लिए ही करेक्ट है। अब आपकी एक और फैमिली बचती है कैरियोफिलेसी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैमिली है, इसको भी आप बहुत आराम से पहचान लेते। कैसे आप पहचानते कि आप देखोगे कि सबसे पहली बात, आप पहली बात तो एक ही फैमिली आपकी बची, कौन सी डी वाली,
यही एक फुल फार्मूला बचा, तो आप मान लो उससे लगा लेते। फिर भी हमेशा गेस पे नहीं रहना चाहिए, हमें हर ऑप्शन के लिए मेहनत करना चाहिए, तभी आप क्लियर कट एक ऑप्शन को निकाल पाओगे। तो मतलब आते रहना सब चाहिए, ऐसा नहीं कि एक आ गया तो छोड़ो। ठीक, तो अगर हम कैरियोफिलेसी का फीचर देखें तो मान लो ये है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स हैं, ठीक है, बायसेक्सुअल कंडीशन है, कैरिक कोरोला है, मैंने बताया। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एंड्रोशियम 5+5 है, और ये सही है कैरियोफिलेसी के लिए, क्योंकि कैरियोफिलेसी के अंदर आप देखोगे 10 स्टेमेन पाए जाते हैं, 2 वर्ल में पाए जाते हैं। जब 2 वर्ल में पाए जाएँ तो उसके लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं, तो 5+5 आ गया। तो स्टेमेन 10 का होना, 2 वर्ल में होना, और आप इसमें क्या देखोगे, एंड्रोशियम मान लो 3 है, ये तो मान लो अलग कहानी होगी, ठीक है, पर आप इसी से पहचान लेते कि आप एंड्रोशियम 10 नंबर में है, तो ये कैरियोफिलेसी का फीचर है। इतना ही टैक्सोनॉमी पूछी गई थी, वैसे दिखने में ये आपको सिंपल अब नहीं इसीलिए लग रहा है क्योंकि जो भी क्वेश्चन वहाँ पे दिया जा रहा है उसमें केवल एक ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप टाइपिफिकेशन से आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो केवल होलोटाइप आपसे पूछ लिया या टॉटोनिम्स ही आपसे केवल पूछ लिया, ऑथर साइटेशन में कोई सिंपल सा दे दिया, क्लासिफिकेशन से केवल एक ही बेंथमैन हुकर से ही एसोसिएटेड आ गया, या फैमिली केवल एक ही दो पूछ लिया, नहीं, कॉम्बिनेशन जो है इसमें जितने भी क्वेश्चन अब आ रहे हैं उस टॉपिक के अंदर लगभग सारे से पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सारे का ओवरव्यू बना के रखिए, बहुत डीप में मत पढ़िए, ये एक ही क्यों आप एकदम से पूरा डीप में पढ़ते हुए जा रहे हैं, बाकी को छोड़ दे रहे हैं, तो वो छोड़ने वाला कॉन्सेप्ट आप खुद ही छोड़ दीजिए, और सारे जो भी चीज़ें उनमें इंक्लूड रहती है उनका छोटा छोटा नोट्स बनाइए एकदम हल्का, लेकिन आपको सारे के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब आपके पास सारे के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, भले डीप में ना हो, हल्की भी रहती है, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप पीछे और भी ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे, और आप मैं जैसे मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई जा रही है, आपसे जो भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे एक क्वेश्चन के जगह एक्चुअली 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए, ठीक है। बाकी ऑप्शंस में आपको ऐसा तो मौका मिलेगा ही कि मान लीजिए आपने एक एक ऑप्शन पकड़ लिया, तो उससे हो सकता है कि उसके सारे ऑप्शन लग जाएं, पर एक ही बार आप एग्ज़ाम देते हो लाइफ में, बार बार नहीं देते हो, इसलिए आपका प्रिपरेशन पूरा अप टू डेट होना चाहिए, एकदम से तैयारी बनाइए रहिए, कोई भी रिस्क या ऐसा कुछ स्किप वाले कॉन्सेप्ट में मत चलिए। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।